के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री दरअसल तीन वर्ड्स पे डिपेंड करता है। ट्राइगोनल मेट्री, ट्राई मीन होता है थ्री, गोनल मीन होता है एंगल्स या साइड, एंगल्स और साइड्स किसके, थ्री एंगल्स और थ्री साइड्स किसके, ट्राइंगल के। गोनल का मतलब होता है ट्राई एंगल, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल ऑफ एन ट्राइंगल, उसकी स्टडी जब हम करते हैं तो उसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। अब इसकी कितने एंगल्स हुए और कितने साइड्स, ये एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, वन साइड, टू साइड, थ्री साइड, थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स की स्टडी को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन कैसे किया कि द रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स ऑफ एन ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के अंदर जब हम थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स की स्टडी करते हैं, उसके उसका रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं, तो उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, या जैसे मैंने कहा थ्री वर्ड्स के, ट्राइगोनल मैट्री। इस ट्राइंगल में जो है साइड्स को भी डिफरेंट नाम दिए गए हैं, वो देखेंगे हम। एंगल अगर इधर हो या इस साइड हो या इस साइड हो, उसे हम थीटा के नाम से जानते हैं, थीटा बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल को, एंगल की जब भी बात होगी तो हम उसे थीटा बोलेंगे। और साइड्स का नेम है ये एंगल। अगर हम इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, इस एंगल के मुताबिक देख रहे हैं, तो साइड्स के डिफरेंट नेम हो जाएंगे। अगर हम इस एंगल से देखेंगे तो इस साइड के डिफरेंट नेम, अलग अलग साइड के अलग अलग नेम हो जाएंगे। जैसे हमारे पास ओनली थ्री नेम्स होते हैं, लेकिन अगर हम इस साइड, इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो इसके अपोजिट जो है वो होता है हाइपोटेनस। इसके अपोजिट है हाइपोटेनस। एंगल के एडजेसेंट, जिस पे एंगल बना हुआ है, उसे हम बेस बोलते हैं। और ये जो स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है एंगल के साथ लगी हुई, उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। नाउ हमें साइड्स का पता चल गया कि ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है। इसको हम इस एंगल के मुताबिक देखेंगे, कौन सा बेस है, कौन सा ट्राइंगल है, कौन सा बेस है, कौन सा हाइपोटेनस और कौन सा परपेंडिकुलर है। फिगर सेम बनाएंगे, जो है हमारे पास ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हम एंगल यहाँ पे लें, पहले हमने एंगल कंसीडर यहाँ पे किया था, अब हम एंगल जो है वो यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि इसके अपोजिट जो है हमारे पास है हाइपोटेनस। एंगल के अपोजिट हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस। एंगल जिस पे बना हुआ है उसे हम कहेंगे बेस, और एंगल के साथ जो है वो होता है परपेंडिकुलर। आ गया समझ में? जब एंगल चेंज होगा तो हमारे जो साइड्स के नेम हैं वो भी चेंज हो जाएंगे, साइड्स भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। अगर एंगल यहाँ बनाए तो इसके अपोजिट जो है हाइपोटेनस होगा, अगर एंगल यहाँ बनाए तो इसके अपोजिट ये वाला साइड जो है वो हाइपोटेनस होगा। जो टोटली जो एंगल की साइड्स जो हैं, ट्राइंगल की साइड्स जो हैं, वो डिपेंड करती हैं एंगल पे। जिस एंगल को हम कंसीडर करेंगे उसी एंगल के मुताबिक हमें क्या करना, देखना होगा कि उसकी साइड्स कौन सी हैं। अब हमें कौन कौन सी साइड निकाली है, एक हाइपोटेनस, दूसरी परपेंडिकुलर। ज़रूरी नहीं है कि जो परपेंडिकुलर है वो 90 डिग्री हो, एंगल के अपोजिट या एंगल जिस एंगल को हम कंसीडर करेंगे उससे जो लगा हुआ होगा वो हमारा परपेंडिकुलर साइड होगा। और दूसरा होता है बेस। बेस क्या होता है, जिस पे एंगल बना हो ट्राइंगल, और जिस साइड पे एंगल बना हो उसे हम बेस कहेंगे। ज़रूरी नहीं है जो सीधा है वो बेस होगा, बेस वो होता है जिस पे एंगल बना हुआ हो।
पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस कौन सी होती हैं? ये ट्रिग्नोमेट्री का ही टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, ये कौन सी रेशोज हैं? ट्रिग्नोमेट्री की रेशो होती हैं। रेशोज़ का मतलब है जिसके हमारे पास न्यूमिरेटर भी हो डिनोमिनेटर भी हो। न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर का मतलब है जैसे हमारे पास नंबर्स हैं वो फ्रैक्शन में गिवन हो अपॉन में गिवन हो, ऐसे ऊपर भी हमारे पास नंबर हो और नीचे भी नंबर हो। ये हमारे पास होती हैं साइन, साइन थीटा जिसे हम साइन थीटा बोलते हैं, कॉस थीटा बोलते हैं, कॉट थीटा, साइन कॉस टेंजेंट और नंबर 1, 2, 3, 4 कितनी होती हैं? 5, 6 होती हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक, इनके साथ अगर हम एंगल या डिग्री लगा दें तो उसे हम थीटा बोलते हैं। जैसे मैंने कहा था कि एंगल को हम क्या कहते हैं? थीटा। अब यहाँ पे 90 डिग्री को हम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिख रहे हैं? जब हमें पता नहीं है कि ये एंगल कौन सा है, 90 है, 0 है, 30 है, 60 है, तो हम थीटा को शो करते हैं थीटा। सेक थीटा मतलब कोई भी एंगल, एंगल के नाम को हम थीटा बोल रहे हैं। कॉसेक थीटा, साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेंजेंट थीटा, SIN होता है साइन में। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास होती हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब ये बनती कैसे हैं? साइन इक्वल टू व्हाट? यहाँ पे अगर हम इस एंगल को कंसीडर करें, अगर हम इस एंगल को कंसीडर करें तो इसमें साइन और कॉस टेन कौन से होंगे? तो इसको जानने के लिए हमारे पास दो ट्रिक्स होती हैं। एक जो है वो सेंटेंस है, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टिल पॉइंटेड ब्लैक। एक ट्रिक जो है वो है सेंटेंस जो मैंने बताया सम पीपल है, वो बहुत ओल्ड हो गया है तो इसलिए एक न्यू ट्रिक आई है जो इजी और फास्ट है। सम पीपल है, मैं फिर भी लिख देती हूँ, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टिल पॉइंटेड ब्लैक। अब ये सेंटेंस को करेंगे कैसे? अब ये एस पी एच इसका जो फर्स्ट लेटर है उसको लेंगे, सम पीपल हैव SPH। सम पीपल हैव क्या मतलब? साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका वन लेटर लेंगे, स्टार्टिंग लेटर लेंगे, उससे हम ये बनाएंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बनाएंगे। साइन इक्वल टू सम पीपल हैव साइन इक्वल टू P अपॉन H। अगेन हमारे पास है कर्ली ब्लैक हेयर, C इक्वल टू B अपॉन H। इसी तरह T जो है वो है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इक्वल टू टिल पॉइंटेड ब्लैक P अपॉन B। ये जो है बहुत ओल्ड ट्रिक हो गई है, इसको लिखने में इसको समझने में टाइम लगता है, इसमें हमारे पास ये नहीं है कॉट से कॉसे, तो ये इसको हम रिजेक्ट करते हैं, नंबर 2 ट्रिक की तरफ चलते हैं, वो बिल्कुल इजी है जो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। सो ये हमारे पास नंबर 2 ट्रिक है जिसके ज़रिए हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को इजीली डिफाइन करेंगे, समझेंगे कि सम पीपल हैव साइन किसके बराबर है, टेंजेंट किसके बराबर है, कॉस है कॉस किसके बराबर है। इसमें हमें सम पीपल हैव वाली लाइन को भूल जाना है, वो इससे रिलेट नहीं करती। यहाँ पे देखना है कि हमारे पास एक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हमें ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेटर से याद होने चाहिए। इसमें आप कोई भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, P का फुल फॉर्म कुछ भी होना चाहिए जो आप खुद रिलेट करें अपनी रियल लाइफ से। जैसे मैंने कहा कि पंडित बद्री प्रसाद
ये हमारे पास फुल फॉर्म है, इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, हर हर देन बोले। अगर आपको ये सेंटेंस और ये तीनों याद हो गए तो आप इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता सकते हैं कि साइन किसके बराबर है, टेंजेंट किसके बराबर है। हमें क्या याद होने चाहिए, पी बी टी एच एच बी। अब इसको देख के ही हम क्या करेंगे, पूरी रेशियोज हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। उसके बाद कर देना है एस मतलब साइन, ऊपर वाली साइड पे लिखना है साइन कॉस टेन। इतना लिख दिया, तीन हो गए। अब यहाँ पे हम बनाते जाएंगे, साइन इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू टेंजेंट सॉरी कॉस थीटा इक्वल टू टेंजेंट थीटा इक्वल टू। अभी हमने क्या देखा है, साइन कॉस और टेंजेंट ओनली थ्री रेशोज। अब साइन किसके बराबर है, हम इसको ऐसे स्ट्रेट लेके जाएं, साइन पी अपॉन एच के बराबर है। किसके बराबर है, पी अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब कॉस को भी सीधा लेके जाएं, कॉस किसके बराबर है, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। साइन पी अपॉन एच, कॉस बी अपॉन एच, और टेंजेंट किसके बराबर है, आप खुद ही देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि पी अपॉन बी के, पी अपॉन बी। हमें कितने पता चल गए, थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें इजीली पता चल गए बाय ये वाली ट्रिक। कौन सी ट्रिक, पी टी वी पी एच एच बी, वन टू थ्री। अब बकाया तीन कैसे पता चले, उस वाले सेंटेंस से वो वाले तीन नहीं पता चलते, इससे हम इस वाली ट्रिक से इजीली हम पता लगा सकते हैं। साइन कॉस टेन, टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट सेक कॉसेक। आपको ये भी याद रखना होगा कि टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है या कॉसेक होता है। टेन का अपोजिट कॉट होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। बकाया जो तीन थे वो थे कॉट सेक कॉसेक। नंबर फोर हमारे पास था कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा। फाइव सिक्स, कितनी रेशोज होती हैं, सिक्स रेशोज। कॉट किसके बराबर होता है, अब पहले हमने टेन को देखने के लिए ऐसे सीधा आया कि टेन इक्वल टू पी अपॉन बी, टेन इक्वल टू पी अपॉन बी। अब हम देखेंगे कॉट इक्वल टू बी अपॉन पी, ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे कि कॉट इक्वल टू बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। कॉट जो है बी अपॉन पी के बराबर होता है। इसी तरह सेक, सेक ऐसे नहीं देखेंगे, किस तरफ देखेंगे, ऊपर की तरफ, एच अपॉन बी। सेक जो है वो है एच अपॉन बी। इसको शो करने के लिए हम जो है कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर्स दोनों यूज कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। और कॉसेक जो है आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि एच अपॉन पी के बराबर है, कॉसेक इक्वल टू एच अपॉन पी। ये सारी हमें क्या थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। इस ट्रिक के जरिए, कौन सी ट्रिक थी, पी बी पी एच एच बी। इस ट्रिक के जरिए हम क्या करेंगे, पहले ये टेबल बना लेंगे कि साइन किसके बराबर है, कॉस किसके बराबर है, टेन किसके बराबर है, कॉट किसके बराबर है, सेक किसके बराबर। इसके बाद हम वो टेबल बनाएंगे डिग्रीज वाली, जैसे जीरो डिग्री पे साइन क्या होगा, 30 डिग्री पे साइन क्या होगा, 90 पे क्या होगा, इसी तरह 80 और बकाया डिग्रीज पे ये जो है वो साइन कॉस टेन क्या होंगे। पहले आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख देंगे, इसकी पी अपॉन एच के बराबर है साइन, और कॉस जो है बी अपॉन एच के बराबर है। इसके बाद आप डिफरेंट फिगर्स बना के उससे हम प्रूव करेंगे कि साइन जो है, साइन 90 जो है वो किसके क्या वैल्यू होगी, साइन 30 की क्या वैल्यू होगी। पहली फिगर हम देखेंगे रेशोज एट, सारी रेशोज साइन नहीं ओनली, सारी रेशोज एट 45 डिग्री। सब रेशोज, कौन सी रेशोज, हमारे पास कितनी रेशोज हैं, सिक्स रेशोज हैं। सिक्स रेशोज को हम कहाँ पे देखेंगे, कौन सा थीटा है, 45 डिग्री का, 45 डिग्री पे हम सारी रेशोज को देखने वाले हैं। किस जरिए, हम एक फिगर बनाएंगे उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये रेशोज जो हैं वो प्रूफ करेंगे कि इसकी वैल्यू 45 डिग्री पे, साइन की वैल्यू 45 डिग्री पे करेक्ट है या नहीं। 4:45 लिखें या 8:45 लिखें, बात एक ही है। हमें 45 डिग्री के डिग्री पे बनाने के लिए एक फिगर चाहिए होगी, जो बनेगी ड्रॉ स्क्वायर। स्क्वायर बनाएंगे पहले, ड्रॉ अ
स्क्वायर, जिसकी ईच साइड होगी, ईच साइड वन की बराबर होनी चाहिए, टू की बराबर, या आपकी मर्जी है जिस पे भी बनाएं, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो सेम आएगी। हमने यहाँ पे वन के बराबर बनाया है। एक स्क्वायर बनाना है जिसकी साइड जो है वन 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 के बराबर होनी चाहिए। सब फोर साइड इक्वल साइड होती है ना, एक स्क्वायर में सब साइड जो है वो इक्वल होती हैं, तो उसकी हर एक साइड जो है वन के बराबर होनी चाहिए। अगर आप टू के बराबर करें तो ये भी टू, ये भी टू, ये भी टू। अगर टू के बराबर करेंगे तब भी आपकी वैल्यू सेम होगी। आप पहले ये सीख लें, उसके बाद आप टू से भी करके देख के प्रूव करिएगा। क्या करना है, पहले वन वन को दे दिए, फिर उसके बाद इस स्क्वायर को हाफ करना है। इस स्क्वायर को जब हम हाफ करेंगे तो ये हमारे पास एंगल बन जाएगा, जो बनेगा 45 डिग्री का। कैसे, अब हम इस वाले ट्रायंगल को नहीं लेंगे। कौन से ट्रायंगल को लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे जिस पे हमारा 45 डिग्री का एंगल बना है। कैसे, एक और फिगर बनाएंगे, इसी फिगर से हम एक और फिगर बनाएंगे यहाँ पे सेम। इसको हम इस वाले पार्ट को ऐसे भूल जाएंगे। कौन सा पार्ट बनाएंगे, ये वाला पार्ट, इस साइड का वन था और ये वन था, ये थी 45 डिग्री। क्या किया हमने, ये वाला ट्रायंगल नहीं बनाया, ये वाला ट्रायंगल दूसरी फिगर में बनाया। जब भी हमें रेशियो फाइंड करनी हो 45 डिग्री पे, जब 45 डिग्री पे रेशियो फाइंड करनी हो तो हमें दो फिगर बनानी है, एक ये एक ये। दो फिगर बनाएंगे तो ईजिली हम क्या करेंगे, रेशियोज फाइंड कर लेंगे। अब हमने इन तीनों साइड के जो है वो नेम लगा दिए कि एंगल के एडजेसेंट जो है वो बेस होता है, इसके अपोजिट परपेंडिकुलर, और ये हमारा हो गया हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें पता है, बेस की भी पता है। हमने यहाँ पे लिख दी कि बेस जो है वन के बराबर है, परपेंडिकुलर भी वन के बराबर है, और हाइपोटेनस हमें पता नहीं है, वो मालूम करना है। जब भी हमें दो साइड की वैल्यू पता हो और तीसरी की फाइंड करनी हो तो हमारे पास एक थ्योरम है जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ताकि हम क्या करेंगे, एक साइड की वैल्यू जो है ट्रायंगल में वो फाइंड करेंगे कि हाइपोटेनस परपेंडिकुलर हमें पता है तो बेस जो है मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे हमें बेस और परपेंडिकुलर पता है, इसलिए हमने हाइपोटेनस जो है वो मालूम कर लिया बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमने क्या किया कि एच स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस इक्वल टू एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर है। सो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, क्योंकि बेस की वैल्यू वन है, परपेंडिकुलर की वैल्यू वन है, तो हमने वैल्यूज को पुट कर दिया वन, और दोनों का हमें क्या करना है, स्क्वायर लेना है। सो एच स्क्वायर इक्वल टू वन का स्क्वायर जो है वो वन ही होता है, प्लस वन का स्क्वायर अगेन वन होता है। यहाँ पे वन प्लस वन हमारे पास हो जाता है टू। एच स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस वन इक्वल टू टू। अब ये स्क्वायर कैसे रिमूव करें, हमें तो सिर्फ हाइपोटेनस की वैल्यू मालूम करनी है, ना कि हाइपोटेनस के स्क्वायर की। सो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को बोथ साइड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड। जब भी स्क्वायर हो उसको ख़त्म करना हो तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लगा देते हैं दोनों साइड पे। एच का स्क्वायर और हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दिया, और टू इसको भी हमने स्क्वायर रूट दे दिया। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है वन अपॉन टू, इसलिए यह आपस में कैंसिल हो जाता है। कैसे कि स्क्वायर रूट और अंदर हमारे पास है स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल आउट कैसे होते हैं मैं आपको ये बता रही हूँ यहाँ पे। तो एच स्क्वायर और स्क्वायर रूट की अगर हम वैल्यू लिखें तो वो हमारे पास बराबर होती है वन अपॉन टू के। एच टू मल्टीप्लाई बाय, हम ब्रैकेट को ख़त्म कर देते हैं और ऐसे लिख देंगे, और टू वन ज़ा हमारे पास होगा टू। ये डिफरेंट मेथड्स में मैं डिफरेंट स्टेप्स में ये बता रही हूँ कि एच स्क्वायर टू वन ज़ा टू होता है और नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब टू वन ज़ा टू। जब मल्टीप्लाई फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कैसे सॉल्व करते हैं कि ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाली वैल्यूज जो है डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। टू वन ज़ा टू, टू वन ज़ा टू, एंड टू डिवाइडेड बाय टू हमारे पास बराबर होता है वन के। कैसे, टू को अगर टू से डिवाइड करें, टू वन ज़ा टू टू, तो टू के बराबर होता है माइनस, यहाँ पे ज़ीरो बचा है, आंसर जो है वो होता है वन।
एच एच के पावर की वैल्यू जो है वो हो गई 1। कैसे हो गई? 2 1 2 2 1 2, कुछ नहीं बचा, मतलब हमारे पास 1 बचा। ये स्टेप है सॉल्व करने के लिए कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैसे कैंसिल आउट हो गए। जब स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए तो हमारे पास जो एच है, एच यानी कि हाइपोटेनस बराबर हो गया अंडर रूट 2 के। कहते हैं कि बेस किसके बराबर है, परपेंडिकुलर किसके बराबर है, फिर से लिख देंगे ताकि हमें ईजी हो रेशोज़ को डिफाइन करने में, रेशो को लिखने में। बेस जो है 1 के बराबर था, परपेंडिकुलर भी 1 के बराबर था फिगर में, और हाइपोटेनस हमने मालूम किया जो निकला अंडर रूट 2 के बराबर। इसकी वैल्यू हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के मालूम की, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उससे हमें हाइपोटेनस की वैल्यू जो है वो अंडर रूट 2 मिली। अब इनको रेशोज में लिखेंगे, जो हमारे पास 6 रेशोज थी, साइन थीटा, अब थीटा नहीं लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे, साइन 45 डिग्री, क्योंकि थीटा की हमें वैल्यू मिल गई है जो है 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टेंजेंट ये भी हमें 45 डिग्री पे मालूम करना है, और कौन से थे, टेंजेंट का अपोजिट कोट। जैसे मैंने बताया कि टेन के बाद हमें क्या लिखना होता है, कॉट लिखना होता है, जो है टेंजेंट के अपोजिट। ऐसे ही साइन का अपोजिट भी होता है, कॉस का अपोजिट भी होता है, कॉस का अपोजिट होता है कॉट, और साइन का अपोजिट होता है कॉस सेक, क्योंकि साइन स्टार्ट में, इसलिए अपोजिट उसका लास्ट में लिखा जाएगा जो है कॉस सेक 45 डिग्री पे। हमें ये रेशोज जो हैं, इन वैल्यूज़ के ज़रिए हमें ये रेशोज़ को फाइंड करना है कि 45 डिग्री पे, और ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि साइन 45 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है साइन की। यहाँ पे मैंने वही ट्रिक जो बताई थी लिख देते हैं ताकि यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करने में ईजी हो, जो थी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी बी पी एच एच पी, और ये होता है साइन, ये सेंटर वाला कॉस, और लास्ट वाला टेंजेंट। साइन इक्वल टू पी अपॉन बी, स्ट्रेट देखना है नीचे की तरफ के, पी अपॉन एच के बराबर है साइन, पी अपॉन एच के बराबर है साइन। हम वैल्यूज बाद में लिखेंगे, पहले इनको सबकी वैल्यू जो है, सबके रेशोज जो हैं वो लिख देते हैं कि कॉस है बी अपॉन एच के, बी अपॉन एच के, और टेंजेंट है पी अपॉन बी के, पी अपॉन बी के। मैंने क्या बोला था कि टेंजेंट के अपोजिट जो है वो कॉट होता है, और कॉस के अपोजिट सेक होता है, और साइन के अपोजिट कॉसेक होता है। अब कॉट ऊपर की तरफ लेंगे, कॉट इक्वल टू बी अपॉन पी, सेक इक्वल टू एच अपॉन बी, कॉसेक इक्वल टू एच अपॉन पी। हमने क्या किया, पहले हमने सारी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हैं उनको इस ट्रिक के जरिए उनके नाम लिख दिए कि वो किस रेशो के बराबर है। साइन 45 पी अपॉन एच के बराबर है, तो पी अपॉन एच, यहाँ पे पी अपॉन एच, पी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो वैल्यूज पुट करेंगे पी अपॉन एच, यानी कि पी की वैल्यू लिख देंगे 1, और एच की वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट 2। साइन 45 डिग्री पे जो वैल्यू है वो होती है 1/2 के, अंडर रूट 2 के। इसी तरह कॉस की वैल्यू, इसी वैल्यू के जरिए कॉस 45 भी पता चल जाएगा कि बी अपॉन एच की है, बी हमारे पास है 1, एच हमारे पास है अंडर रूट 2, साइन और कॉस इसमें बराबर है। टेंजेंट, अब टेंजेंट देखेंगे पी अपॉन बी, पी क्या है हमारे पास 1, बी क्या है हमारे पास 1। अगर ऊपर न्यूमिरेटर भी 1 हो, डिनोमिनेटर भी 1 हो, तो हमारी वैल्यू जो है वो 1 होती है। इसको हमने ऐसे लिखा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये अपॉन ही है, इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। तो मैंने ऐसे लिखा है ताकि ये इस लाइन में आ जाए, सो ये बराबर हो गया 1/1 के बराबर हो गया। सो cot 45 बी अपॉन पी, बी क्या है 1, पी क्या है 1, जैसे मैंने कहा 1/1 यानी कि 1/1 के बराबर हो जाता है। कैसे, उसको भी देख लेते हैं कि 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 1 होता है, माइनस करेंगे यहाँ 0, तो आंसर हमारे पास 1 आ जाता है। मैंने हर चीज़ को डिफाइन किया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। सो कॉट है 45 डिग्री, कॉट है हमारे पास एच अपॉन बी, एच है अंडर रूट टू एच है, और बी हमारे पास है 1,
सो जैसे मैंने कहा कि ऊपर जो न्यूमिरेटर है अगर नीचे 1 हो तो उसकी वैल्यू नहीं होती, वो हम अंडर रूट 2 ही लिख देते हैं जैसे है। इसी तरह कॉसेक की वैल्यू भी फाइंड करेंगे बाय बेस, हाइपोटीनस और परपेंडिकुलर वैल्यू से, उसकी वैल्यू से। अब कॉसेक है हमारे पास एच अपॉन पी, एच हमारे पास है अंडर रूट 2 और पी हमारे पास है 1। ये एच अपॉन बी भी सेम था अंडर रूट 2, कॉसेक जो है एच अपॉन पी है जो है अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 1, एच जो है अंडर रूट 2 है डिवाइड बाय 1। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 हो तो उसकी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि हम जब डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर आंसर जो है वो ऊपर वाला न्यूमिरेटर ही रह जाता है अंडर रूट 2। हमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू 45 डिग्री पे एक फिगर के ज़रिए हमने मालूम कर ली, जो जो ये हमारे पास लिखी हुई हैं। इनको प्रूव हम कैसे करेंगे बाय, ये ऑलरेडी प्रूव हो चुकी हैं, एक फिगर बनाई जिसमें हमने बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड की। और जब हमें बेस परपेंडिकुलर पता था तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने क्या किया कि हाइपोटेनस भी मालूम कर लिया। उसके बाद एक ट्रिक के ज़रिए हमने ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को यहाँ पे लिख दिया, जो हैं 6, उनकी वैल्यू लिख दी। फिर उसमें बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की वैल्यू को ऐड करके उसको सॉल्व करके उसका आंसर जो है मालूम कर लिया। ये हमारे पास इतना ही नहीं, ये सिर्फ 45 डिग्री पे है, यहाँ पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं वो 45 पे, 60, 30, 0, 90, 180 इस सब पे मालूम की जाएगी। हमने सिर्फ एक मालूम किए जो है 45 डिग्री पे। ये जब सब मालूम हो जाएंगी तो हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे जिसमें लिखेंगे कि साइन 45 डिग्री पे ये होती है, 90 डिग्री पे साइन ये होती है, कॉस ये होती है। पहले हम सारे सॉल्व कर लेंगे फिगर, उसके बाद इजीली हम वो, उसके बाद हम क्या करेंगे उस टेबल में उनकी वैल्यूज़ को लिख देंगे। सो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में आगे की फिगर्स जो हैं वो डिफाइन करेंगे, उनको समझेंगे, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे।